ठीक है बच्चों, देखो आप क्या था कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो तीन इक्वेशन से डिराइव की थी, ठीक है, वो तीन इक्वेशंस उनको मैं एक बार पहले यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि हमारी जो तीन इक्वेशंस थी वो कौन कौन सी थी। ये जो तीन इक्वेशंस आप पढ़ते हो उसमें से पहली इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट फेमस इक्वेशन जो आप ऑलरेडी जानते हो। देन द सेकेंड इक्वेशन जो हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था जिसको ड्राइव किया था, दैट वॉज एस इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ, दैट मीन्स 0.5 एंड ए टी स्क्वायर। दिस टू मीन्स स्क्वायर, है ना, दिस टी टू मीन्स स्क्वायर। एंड देन थर्ड इक्वेशन वॉज वी स्क्वायर, दैट इज वी इंटू वी, सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव कर ली थी, ऑलरेडी डिराइव हो गई थी। ठीक है, डिराइव किया था, फिर इसके बाद हम लोगों ने ट्रेन वाले में इसको अप्लाई किया था। अब आज हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट उसके पहले हमने एक प्रिकॉशन देना है। देखो आपको बताना है कि क्या चाहिए आपको। ठीक है, आप यहां पर एक नोट पॉइंट रखोगे, नोट। अब ये नोट पॉइंट क्या है वो समझना। ये जो इक्वेशंस हैं, हम लोगों ने ये कहा था कि ये जो इक्वेशंस होती हैं इन्हीं में साइन एडजस्ट करते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन होती हैं ये साइन सेंसिटिव होती हैं। साइन सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि आपको अकॉर्डिंगली साइन एडजस्ट करना पड़ता है, टेक केयर करना पड़ता है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ साइंस, किनके साइंस, ऑफ नोन वैल्यूज, सिंबल्स के मीनिंग से आप फेमिलियर हो। यू स्टैंड फॉर द इनिशियल, देखो जो ये यू है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी। इसको इनिशियल स्पीड नहीं कहेंगे, वेलोसिटी। तो जब आप इसको वेलोसिटी कह रहे हो तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक वैल्यू होगी प्लस इसके अंदर कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, बिकॉज इट इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इट विल हैव सम डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन यू हैव टू टेक पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। ये इसका कन्वेंशन है। सिमिलरली वी इज द फाइनल वेलोसिटी और ए विच इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो वी ऑल नो दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, इट हैज अ वैल्यू प्लस इट हैज अ डायरेक्शन। सो इन दीज इक्वेशंस यू टेक केयर ऑफ डायरेक्शंस, द वैल्यूज विल बी कैलकुलेटेड बट द डायरेक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। डायरेक्शन इज नॉट अ कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट गिव डायरेक्शन इन द नंबर्स फॉर्म। सो डायरेक्शन इज कंसिडर्ड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ वेरिएबल्स। वो अभी आपको ऐसे समझ में आएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, देखना। और आप इस एग्जाम्पल को जब समझोगे तो आप मेरे स्टेटमेंट को समझ पाओगे कि मेरे एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। मेरा एग्जाम्पल वन, ठीक है, दैट एग्जाम्पल वन जो है मेरा वो क्या है, देखो आप, मैं एग्जाम्पल वन, ठीक है, वो क्या कहता है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल स्पीड ऑफ सपोज दैट 20 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, इट, ठीक है, इट हैज एक्सेलरेशन ऑफ से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ईस्ट डायरेक्शन। ये भी एक क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर लेट से 6 सेकेंड्स। ये एक सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करोगे, देखो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। मैं एक और क्वेश्चन यहीं पर लिखूंगा ताकि आप बैक टू बैक इस प्रॉब्लम को समझेंगे क्या है। बैक टू बैक मेरे पास एक और एग्जांपल है, सेम क्वेश्चन है, बट मैं इस क्वेश्चन में एक करेक्शन करने जा रहा हूँ,
ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन में एक करेक्शन यहाँ पर ये करने जा रहा हूँ. एग्जाम्पल टू, अ पार्टिकल स्टार्ट विद द इनिशियल स्पीड ऑफ दिस एंड दिस, बट इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो ईस्ट डायरेक्शन की बजाय वेस्ट डायरेक्शन है. एक्सेलरेशन ईस्ट डायरेक्शन की बजाय वेस्ट डायरेक्शन है, इतना सा फर्क है. ठीक है, अब देखो इसको क्या करना चाहिए, सोल्यूशन क्या होगा इसका. तो आप जब इस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे तो यहां पर तरीका क्या है, इट स्टार्ट्स, राइट, इट स्टार्ट्स विद इनिशियल स्पीड 20 और ये ईस्ट डायरेक्शन है. तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमारा पहला स्टेप, हम लोग ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है, जो मेरी ईस्ट डायरेक्शन है और जो मेरी वेस्ट डायरेक्शन है, मान लो ये दो डायरेक्शंस हैं. तो लेट्स से वी एज्यूम आवर ईस्ट डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड आई एज्यूम वेस्ट डायरेक्शन टू बी नेगेटिव. दिस इज माई एजम्पशन. यू कैन एज्यूम ईस्ट डायरेक्शन टू बी नेगेटिव एंड वेस्ट टू बी पॉजिटिव, बट आई प्रेफर, आई चूज ईस्ट डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड वेस्ट डायरेक्शन एज नेगेटिव. So what is the value of u, right? What are the, what is known and what is unknown? इस तरीके से भी देखा जाता है फिजिक्स में. क्वेश्चंस करने का जो तरीका है, make a list of known and unknown. So what is known? You know, start with the initial velocity. So yes, we know the value of u, which is 20. And according to the east direction, you will consider it positive, plus east, plus 20. It has acceleration of 4 meter per second square. So A is known, 4. Unit is also important. It is meter per second. It is meter per second square. What is the direction? East direction, which is positive. So put a positive sign. What is unknown? So everything which is required to be calculated, that is find. So if you are finding something, it means that is unknown. So you have to find velocity and displacement. Time is also known, 6 seconds, and you need to find out the velocity and you need to find out the displacement. Now I think it can be done very easily by the proper selection of formulas. And formulas, aap 1, 2, 3 mein se kaun sa choose karoge? So v ko calculate karne ke liye aapko equation 1 lagani padegi, aur displacement ko calculate karne ke liye aapko equation 2 use karni hai. तो आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब यूज करोगे तो यहां पर v इक्वल्स टू 20 प्लस 4 एंड टाइम 6 व्हिच गिव्स 44 मीटर पर सेकंड. इक्वेशन 2, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, u इज 4 टाइम 6 प्लस 1/2, a इज 4 एंड 6 स्क्वायर, एंड देन जो भी इसका प्रॉपर आंसर आपके हिसाब से बनता है. इन मैथमेटिकल पोर्शन आप अपने लेवल पर डील करोगे कि व्हाट इज मैथमेटिकल पोर्शन. ठीक है, इस तरीके से 48 है जी, राइट. तो इस 24 और प्लस 72, आई थिंक 36 इधर आ जाएगा, 2 और 72 प्लस 24 इज नाउ आई थिंक 96 मीटर. नाउ इन द सेकंड क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो व्हेन यू मेक अ लिस्ट ऑफ नोन वैल्यूज, initial velocity is known, 20, and whether it is positive or negative, then you have to look at the direction part. It is east direction, so take it positive. The acceleration is 4 meter per second square. Since it is in the west direction, which we have assumed a negative, so you will take minus here, and time t is 6 seconds. Unknowns अभी भी आपके पास सेम है, सेम unknowns. That means V और S सेम equations यूज होंगी. अब जब equations यूज करेंगे तो हमारे लिए बस इतना सा फर्क होगा, जब V आप कैलकुलेट करोगे इक्वेशन 1 से तो V विल बी U 20 प्लस, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 4 रखनी है और टाइम की वैल्यू 6 रखनी है, तो ये माइनस 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ पर आंसर. और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर भी सेम कंसेप्ट लगाओगे, u इज 20, टाइम इज 6 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह पर विद नेगेटिव साइन माइनस 4 और टाइम 6 स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा.
राइट तो ये वैल्यू हो जाएगी, ओहो कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे से, पिछले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है ना, इन द प्रीवियस केस ये गलती हो गई है, यहाँ पर फोर नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट में, वो मिस्टेक हुई है, वो एक मिस्टेक हुई है मेरे से, या थोड़ा सा ठीक है उसको मैं सही कर लेता हूँ, उसको करेक्ट कर लेता हूँ। नहीं अंकित वो मिस्टेक हुई है बच्चा, ये फोर नहीं होगा, यहाँ पर 20 होना चाहिए, दिस फोर इज इनकरेक्ट, दैट इज माई मिस्टेक, हियर इट शुड बी 20, सो इट विल बी 20 × 6 120 + 72, तो ये आंसर इनकरेक्ट होगा, दिस शुड बी 192 meter। तो यहाँ पर जब जाएंगे तो इट इज 120 - 72 विच इज आई थिंक 48 meter। नाउ आपको इसको समझना पड़ेगा कि जो फाइनल वेलोसिटी माइनस में आई है उसका क्या मतलब है, आपकी वेलोसिटी की वैल्यू -4 meter/s आ रही है तो क्या मतलब है। फिजिक्स में एंड स्पेशली इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो माइनस एंड प्लस हैं, दे जस्ट इंडिकेट और दे जस्ट इन्फॉर्म यू अबाउट डायरेक्शन पार्ट्स। -4 meter/s, तो व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू हियर, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू, दैट द पार्टिकल स्टार्टेड इन द ईस्ट डायरेक्शन, इट इज स्टार्टेड इन द ईस्ट डायरेक्शन बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 6 seconds इट हैज अ वेलोसिटी -4 meter/s and where minus sign indicate west direction, that means initially ये कुछ east direction में गया होगा, ठीक है थोड़ा सा east direction में travel किया होगा, and then the particle, जो particle होगा initially traveling in the east direction, the particle will come back, that means it will take a turn here, it will come back, and at the end of 6 seconds now the same particle is moving in the west direction, and because of that reason it has a velocity of -4 meter/s। to iska yahi significance hua, agar minus mein aapka answer aa raha to significance ye ho gaya कि जिस डायरेक्शन से स्टार्ट किया था उससे अपोजिट डायरेक्शन पे आ गए, तो इसका मतलब पार्टिकल रिवर्स कर चुका है, कहीं पर फॉरवर्ड जाने के बाद वो पीछे की तरफ आ रहा है, फॉरवर्ड मूव करने के बाद बैकवर्ड आ रहे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट 45 मीटर है, इसका मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था उससे 48 meter आगे है वो, इट इज 48 meter बैकवर्ड सॉरी फॉरवर्ड। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट आपको सिर्फ ये माइंड में रखना है कि इन क्वेश्चंस में और इन इक्वेशंस में मुझे यू और ए का साइन पुट करना होता है, यू और ए का साइन रखना होता है। क्लास 9th में हो सकता है कि इस लेवल के क्वेश्चंस आपको अपने स्कूल लेवल पे तो ना मिले, आई मीन स्कूल लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ अगर आप फाउंडेशन लेवल की बात कर रहे हो, ओलंपियाड्स की बात कर रहे हो और NTSC एग्जाम्स की बात कर रहे हो, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यह बात समझ में आ गई आपको, इस तरीके से करोगे इसको। एनी डाउट इन दीज टू क्वेश्चंस, इन दीज टू एग्जांपल्स, एनी डाउट जो नहीं समझ में आ रहा है आपको, किसी को भी, जितने भी लोग आप क्लास कर रहे हो अभी इसमें से किसी को भी कोई भी डाउट हो उसमें तो डिस्कस करो, सो दैट हम आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे पता लगाओगे कि टर्न बैक कहाँ पे हुआ है, एट व्हाट टाइम, इस क्वेश्चन में क्या टाइम रहा होगा, ये कैसे पता लगाएं कितने टाइम बाद बॉडी ने टर्न बैक किया होगा। ठीक है भैया, टाइम टर्न करने का क्या रहा होगा, कितनी देर बाद, बिकॉज जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके हिसाब से तो इट स्टार्ट्स विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 इन द ईस्ट डायरेक्शन, बट लेटर ऑन 6 seconds के बाद ये तो वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो कोई ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था
और थोड़ी देर बाद आप उसको देखते हो और वो वेस्ट डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, तो ये कैसे हो सकता है कि ईस्ट डायरेक्शन में जाते जाते आप वेस्ट डायरेक्शन में चलने लगे? तो इसका मतलब आप कहीं पर टर्न बैक करोगे, रिवर्स गियर लगाओगे गाड़ी में, तो ये कैसे पता लगाओगे ये चीज कहाँ पर होगी, टर्न बैक कहाँ पर करेंगे, है ना भाई? राइट अभिदय, तो टर्न बैक विल बी द पॉइंट वेयर योर वेलोसिटी विल बी जीरो, राइट? और वो कैसे पता लगाओगे कब होगा? तो फर्स्ट इक्वेशन से ही लगाएंगे ना, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में नाउ आई हैव टू फाइंड टाइम व्हेन वी इज जीरो, सो यू नो दैट वी इज जीरो, यू नो दैट ई यू इज प्लस 20, यू नो दैट ए इज माइनस 4, राइट? सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम बाय द फर्स्ट इक्वेशन, by the first equation you can find out the value of time and that will be 5 seconds, time will be 5 seconds. इसका मतलब क्या हुआ, पहले 5 सेकेंड में, first 5 seconds में ये body forward जाएगी। देखो आपका total time 6 seconds है, तो आप 6 seconds को split कर दो, ये 5 seconds plus 1 second, तो जो पहले वाले 5 सेकंड है उसमें तो बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में गई और बाद के 1 सेकंड में वो बॉडी वेस्ट में आ गई, ठीक है? ये सब इसके मतलब होते हैं, यही सब इसके सिग्निफिकेंस होते हैं। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करते हो, ठीक है जी? मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चल रहा हूं, मैं कुछ नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा वो देखें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ठीक है, इस कंसेप्ट को अगर आप माइंड में बिठा लो बच्चा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए ना तो बहुत ज्यादा आप समझ सकते हो चीजों को, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो कैसे कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट एग्जांपल, मान लिया आपसे कह रहे हैं कि अ ट्रक मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, है ना, हमको ये स्पीड आप इसमें सजेस्ट करो, सपोज दैट 72 किलोमीटर पर आवर, अप्लाइज ब्रेक्स एंड रिड्यूसेस द स्पीड टू 36 किलोमीटर पर आवर इन अ डिस्टेंस ऑफ लेट से 10 मीटर, हाउ मच फर्दर, हाउ मच फर्दर द ट्रक विल मूव बिफोर इट स्टॉप्स। Also find the total time taken by truck to stop। ठीक है, ये question है। ठीक है जी, अब देखो कैसे करोगे इसको, यार बताओ। ठीक है जी, बता कैसे करेंगे इसको। ठीक है, देखो तो टेन मीटर, ओके, देखिएगा, देखिए ये जो ट्रक है ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं, ट्रक मीन्स ऑब्जेक्ट, मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 72, यहां पर थोड़ा सा अटेंशन किलोमीटर पर आवर है, योर फोकस इज रिक्वायर्ड, यार कन्वर्जन करना होगा इसको,
सो 72 किलोमीटर पर आवर, पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे इन द मीटर पर सेकेंड, और ये कन्वर्जन करने के लिए आप 72 इंटू 5/18 करते हो, तो ये वैल्यू मिल जाएगी पहले तो आपको 20 मीटर पर सेकेंड। पहला काम, ये पहला काम है। यूनिट्स का भी ध्यान रखना होता है फिजिक्स में, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम इस प्रॉब्लम को एनालाइज करें, ठीक है जी। अब आप इस प्रॉब्लम को जरा एनालाइज करो, तो प्रॉब्लम किस तरीके से हुई यहाँ पर, अगर हम इसको एनालाइज करें तो किस तरीके की ये प्रॉब्लम हुई हमारी, ठीक है ना, किस तरीके की प्रॉब्लम हुई देखिएगा। हम ये मानेंगे कि ट्रक पहले यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पर मान लेते कि ट्रक यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन वो ट्रक थोड़ी देर बाद, मतलब हम यहाँ मान लेते हैं कि ट्रक हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस समय ये 20 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था क्वेश्चन के हिसाब से, थोड़ी देर बाद ये ट्रक थोड़ा सा फॉरवर्ड आ चुका है एज पर क्वेश्चन, है ना, थोड़ी देर बाद ये ट्रक फॉरवर्ड है, और अब हम ये मानेंगे कि ये जो ट्रक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से एज पर द क्वेश्चन इसकी स्पीड रिड्यूस होकर के कितनी हो चुकी है, 36 किलोमीटर पर आर, और 36 किलोमीटर पर आर मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, और ये सब कुछ कितने डिस्टेंस में हुआ है, इन ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि और कितना चलना होगा, दैट मीन्स ट्रक फाइनली और आगे बढ़ेगा, और एक एक स्टेज वो आएगी जब ये ट्रक 0 मीटर पर सेकेंड पे हो जाएगा, यानी कि स्टॉप कर जाएगा, ठीक है जी, ये हो जाएगा केस। तो आपको ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, और आपको टाइम यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम बताना है, टोटल टाइम क्या लगा, ये दो क्वेश्चन है, टोटल टाइम क्या रहा होगा और ये और कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। तो ये कैसे होगा, ठीक है जी, किस तरीके से होगा देखो। अब यहां पर आपको ये बताओ, लॉजिक सुनिएगा, लॉजिक, जो ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक्स उनका मतलब ये होता है कि देखिए 20 मीटर पर सेकंड, अगर मैं यहां पर चेक करूं 20 मीटर पर सेकंड, तो ये यू की वैल्यू हुई। अब आप 20 मीटर पर सेकंड यू लोगे और ए कितना पुट करोगे, यहां पर ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में, जहां पर ब्रेक लगाई जा रही है, तो ब्रेक का मतलब होता है दैट ऑब्जेक्ट को हम रिटार्डेट कर रहे हैं, तो जहां पर ब्रेक वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पर आप एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ रखोगे, तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में होगी। बट क्वेश्चन ये है कि मुझे इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो अननोन है, न्यूमेरिकली वी डू नॉट पुट एनी साइन फॉर द क्वांटिटी विच इज अननोन टू यू, अननोन है। देखिए आपको पता है, अंदर से पता है, यू नो फ्रॉम इनसाइड दैट येट यस इट शुड बी नेगेटिव वैल्यू, बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग इट थ्रू द इक्वेशंस वी कंसीडर इट अननोन। अननोन का मतलब ही क्या है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो जब पता ही नहीं है तो आप प्लस माइनस कैसे लगाओगे, तो इसको आप छोड़ दो, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ए कैलकुलेट करो कितना होगा, तो ए कैलकुलेट कैसे होगा, ये जो 20 मीटर पर सेकंड है ये आपके लिए यू हो गया, ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये वी हो गया, और ये जो 10 मीटर है ये एस हो गया। तो अगर आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन तो वी स्क्वायर विच इज स्क्वायर ऑफ 10 इक्वल टू यू स्क्वायर विच इज स्क्वायर ऑफ 20 प्लस ट्वाइस ए एंड एस इज 10। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी, इसको कैलकुलेट करेंगे और इससे आपको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि ए कितना होगा, और ये आई थिंक आएगा माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ चीज़ों को बाय योर इंट्यूशन अगर आप जानते भी हो कि वो माइनस में है, अगर आपको ये पता भी है कि ये माइनस में है, तो भी उसको आप सॉल्व करके माइनस लाओगे। हाँ जी अंकित सर, जब इसमें दिया हुआ है कि रिटार्डेट हो रहा है, तो सर हम लोग फॉर्मूला में माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं? यही तो मैं समझा रहा हूँ बच्चा, रुक जाओ, यही मैं समझा रहा हूँ, चलो मैं समझा रहा हूँ, अभी मैं ये कह रहा हूँ, यही बात कहना चाह रहा हूँ कि
कि जो अननोन वैल्यूज होती हैं, अगर मेरे को उनका साइन पता भी है, मतलब मान लो मुझे पता भी है कि वो नेगेटिव होना है, तो भी हम जब इक्वेशंस पुट करेंगे तो उसमें हम नहीं रखते हैं, वो हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट रहेगा। जो मेरा आंसर आएगा ना, वहां पर वो माइनस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप देखो यहाँ पर माइनस आपका रिफ्लेक्ट हो गया ना, अगर आप अच्छा चलो अगर आपने ए को ऑलरेडी माइनस कर दिया होता, आप देखना अगर मैंने ए को माइनस कर दिया होता तो मेरी इक्वेशन क्या बन रही होती, 10² = 20² यहाँ माइनस आ रहा था, तो इससे मेरा ए क्या आ रहा होता, +15 आ रहा होता, मतलब माइनस नहीं आता ना। तो अगर आप साइन को ऑलरेडी इक्वेशन में पुट कर चुके हो तो आपके पास सिर्फ वैल्यू आएगी, और अगर आपने यहाँ पर साइन को पुट नहीं किया था तो आपके आंसर में साइन भी आ जाएगा और वैल्यू भी आ जाएगी, दोनों चीजें होंगी। तो हमें फर्स्ट मेथड ज्यादा अच्छा लगता है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आनी है तो वो ऑटोमेटिकली आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, वो आंसर माइनस आएगा, अपने आप आएगा। अंकित क्लियर हुआ डाउट? आप कर सकते हो, चाहो तो माइनस रख करके और उसकी वैल्यू निकालो, बट हम लोग फिजिक्स में एक कन्वेंशन बनाते हैं कि व्हेन समथिंग इज अननोन लेट इट बी अननोन इन एवरी सेंस, लेट इट बी अननोन इन द वैल्यू एंड लेट इट बी अननोन इन डायरेक्शन ऑल्सो। That means through our answer we will find out whether it is positive or negative, and through our calculations we will find out what is the numerical value, 5, 10, 15 क्या आएगा इसका आंसर, दोनों चीजें। ये हमारा एक तरीका है सॉल्व करने का, और कोई रूल नहीं है। आप वैसे माइनस रख करके भी सॉल्व करोगे तो गलत नहीं होगा वो, बट ये फिजिसिस्ट लोग क्या करते हैं कि जो अननोन होता है उसको वो सब्स्टिट्यूट करते ही नहीं है, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसका माइनस साइन अगर उनके मन में पता भी है, इफ दे नो इट बाय इंट्यूशंस, इवन देन दे डू नॉट पुट द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन। वो कहते हैं कि हमारे आंसर में माइनस आएगा तो आने दीजिए। अंकित डाउट क्लियर हुआ? बच्चे बताओ, कन्फर्म करो, यह भी डाउट है? ठीक है, तो ए इज -15। नाउ सेकंड पार्ट अब वो कह रहा है हाउ मच फर्दर द ट्रक विल मूव बिफोर इट स्टॉप्स। तो अब आप ध्यान देना, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब अगर आप यहां से यहां तक की बात करो, इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक की, इस पोर्शन की, तो इस पोर्शन के लिए u कितना है, u की वैल्यू इस पोर्शन के लिए, तो इस पोर्शन की बिगिनिंग यही तो है ना, यहां पर, मतलब यहां पर जो आपने v निकाला है जिसको आप 10 m/s कह रहे हो, वो इसके आगे वाले जर्नी के लिए इनिशियल स्पीड मानी जाएगी। तो अब हम u की वैल्यू 10 रखेंगे, a की वैल्यू पीछे सॉल्व कर ली तो वो हम -15 रखेंगे, a = -15। अब बिकॉज अब हम लोगों ने a पार्ट सॉल्व कर लिया है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ से सॉल्व हो चुका है, तो जब ये सॉल्व हो चुका है तो आगे के लिए, मतलब आगे के क्वेश्चन के लिए आप इसको -15 ले लो, और अब ये स्टॉप होना है। तो अब आप इतने से इंटरवल की बात करो, इस वाले इंटरवल के लिए, तो इस वाले इंटरवल के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, थर्ड इक्वेशन कैसे लिखोगे, 0² = यहाँ पर इनिशियल स्पीड को हम 10 मान लेंगे, तो 10² + 2 a इज -15 एंड देन कैपिटल s डिस्टेंस, तो ये s आ जाएगा 100/30 और यू कैन से इट 10/3 m, यानी कि 10/3 m वो और डिस्टेंस कवर करेगा और वो स्टॉप हो जाएगा, 10/3 m के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था फर्दर, आंसर इज 10/3 m। अब टोटल टाइम टेकन बाय ट्रक टू स्टॉप, टोटल टाइम, तो जब टोटल टाइम है तो आपको यहां से स्टार्टिंग माननी पड़ेगी, ये पॉइंट आपका स्टार्टिंग हो गया, तो टोटल टाइम जब निकालना होगा तो ये चीज आप किससे निकालोगे, ये आप निकालोगे बाय द इक्वेशन v = u + at, बट v क्या लिखेंगे, तो स्टॉप हो गया तो देयरफॉर 0। अब u क्या रखोगे यहां पर, 10 या फिर 20, तो क्योंकि आपको टोटल टाइम निकालना है ना, टोटल टाइम, तो आपको बिगिनिंग से देखना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो यहां पर तो 20 है, वो जब टोटल टाइम निकालना है तो बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट से चलना पड़ेगा, वो 20 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20 पुट कर देंगे, यानी यहाँ पर मेरा u 20 हो जाएगा,
और ए कितना था जो कैलकुलेट किया गया है, -15, और इससे टी, और इससे मेरे को टाइम की वैल्यू मिल जाएगी 20/15 यानी कि 4/3 सेकेंड्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया आपका? तो इसको ध्यान रखना है यार, इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं जहां पर वन डायमेंशनल मोशन के क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स और लूंगा, नेक्स्ट सेशन में लूंगा। अभी आप ये वाला सेशन तो अभी हमारा एंड हो जाएगा, नेक्स्ट सेशन में सिमिलर एग्जांपल्स एक दो और अभी लेंगे, और फिर ग्रेविटी के एग्जांपल्स लेंगे, ग्रेविटी के अंदर वाले। ठीक है, तो इसको मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ, आप रीजॉइन करिएगा।